तो पहले आप ये वाला लोफी चैनल देखो, ये वाली लोफी चैनल पे केवल ये बंदा इसी तरह की वीडियो अपलोड करता है, यानी कि इसी तरह के लोफी सॉन्ग अपलोड करता है, और इसके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं। और आप सोशल ब्लड पे जाके देखोगे तो इसकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है। तो अगर आप भी इसी तरह का लोफी चैनल बना के उस पर इस तरह के लोफी सॉन्ग अपलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और ये बिल्कुल प्रोसेस ईजी है और बिल्कुल भी फ्री है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, mewerd.ai पे। इसके आने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। जैसे मैंने पहले का अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, टाइप एनीथिंग इन इंग्लिश। यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो या इमेज प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ एयर लोफी सॉन्ग या ये लोफी, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी लोफी टाइप कर रहा हूँ। आप उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रैक जो भी रखना चाहो वो यहाँ से ट्रैक चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे सेट ड्यूरेशन पे आना है, और सेट ड्यूरेशन में आप जितनी भी ड्यूरेशन का चाहते हो वो ड्यूरेशन यहाँ पे सेट कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे 4:45 कर देता हूँ। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे जनरेट हो रहा है, फिर जनरेट होने के बाद में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा। तो अभी जनरेट हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये यहाँ माई डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे माई डाउनलोड में आओगे और यहाँ पे ये देखो आपको इस तरह का दिख जाएगा, ये मेरा पहले वाला सॉन्ग है। अभी यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करो। अभी यहाँ पे फिर इसी तरह के दो साइन वर्क के आ जाएंगे तीन, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम। उसके बाद में आप यहाँ से दूसरा भी सॉन्ग जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक दोबारा से सॉन्ग जनरेट करता हूँ तो मैं आपको भी सुन के भी दिखा दूंगा कि किस तरह का सॉन्ग जनरेट हुआ है या किस तरह का ट्रैक जनरेट हुआ है। सिंपली इस बार हम ड्यूरेशन 3 मिनट करने वाले हैं, 3:45, जनरेट पे क्लिक कर दोगे तो ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है और ये सिंपली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे उसी की तरह, और यहाँ पे आप माई जनरेट में आके देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, तो हम तब तक वेट करेंगे। अब यहाँ पे जनरेट हो चुका है और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी ये देखो ये जनरेट हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है माई डाउनलोड्स में। उसके बाद में आपको यहाँ पे माई डाउनलोड्स में आना है और यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। सिंपली जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह के बटन शो हो जाएंगे, उसके बाद में हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसको एक YouTube चैनल का एक्सेस चाहिए होता है, यानी कि YouTube बताना होता है कि आप YouTube चैनल पे अपलोड करोगे तो उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट करोगे ताकि कोई भी आपके चैनल पे कॉपीराइट वगैरह ना आए। तो अभी ये तो फिलहाल में डाउनलोड हो ही रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना एक मिनट का, तो ये तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा। तो अभी डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है अपने PC में सेव करने के लिए। तो उसके बाद में यहाँ पे YouTube चैनल की आपको लिंक पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी कर ली अपने चैनल की और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में एग्री पे क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होने लगेगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है, अभी डाउनलोड हो चुका है। अब आपको एक बढ़िया सा चाहिए पोस्टर चाहिए, तो हम पोस्टर के लिए आ जाते हैं leonardo.ai पे। उस पर आने के बाद में आपको यहाँ पर आना है फाइन ट्यून मॉडल्स पे, और यहाँ पे आप रियल फ़ोटो कोई भी एक मॉडल ले सकते हो। और यहाँ पे आओगे जनरेट पे क्लिक करोगे, उसके बाद में प्रॉम्प्ट जनरेशन पे क्लिक करना है आपको। प्रॉम्प्ट जनरेशन पे आप सिंपली जो भी प्रॉम्प्ट देना चाहो वो दे देना। उसके बाद में यहाँ पे आइडिया क्रिएट कर दोगे और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट के आइडिया ये आपको दे देगा। तो मैंने एक आइडिया उनमें से कॉपी कर लिया है। अब इस तरह की इमेज जनरेट होके आ गई है, आपको जो भी सही लगे वो आप डाउनलोड कर लेना। जैसे मेरे को ये वाली ठीक लगी। उसके बाद में आप कैपकट पे आ जाना और वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट करना और दोनों सॉन्ग और फोटो को अपलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैंने सॉन्ग और फोटो दोनों अपलोड कर लिए हैं। अब मैं फ़ोटो को यहाँ पे और सॉन्ग को दोनों पे यहाँ पे ट्रैक करके ले आता हूँ। तो अब हमारी सॉन्ग की लंबाई ज़्यादा है, फ़ोटो की लंबाई कम है, तो हम इस फ़ोटो को ट्रैक करके पूरे सॉन्ग के बराबर फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सॉन्ग के बराबर आ चुका है। उसके बाद में आपको आ जाना है इफ़ेक्ट में आना है। आप जैसा भी इफेक्ट इसमें डालना चाहो या फिल्टर लगाना चाहो, जिस तरह का भी कस्टमाइजेशन करना चाहो वो सारे कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह। उसके बाद में आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अभी सिंपली मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको प्ले करके भी दिखाने वाला हूँ।